अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है. अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आई विल स्टार्टेड थ्री शेड्स प्राइमरी कलर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर. आई विल मतलब मैं आई विल शो दैट के मतलब जो प्राइमरी कलर है वो जस्ट एक पार्ट्स में, मतलब वो एक ही कलर में बनते हैं. वो है जैसे कि रेड, येलो एंड ब्लू. ये आपको एक ही कलर में मतलब जस्ट प्राइमरी सिंपल कलर से. सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो प्राइमरी कलर मतलब एक कलर को मिला के दूसरे कलर को मिला के, मतलब जब जैसे कि येलो, येलो और प्लस ब्लू, येलो एंड प्लस ब्लू विथ मिला, मतलब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वो ग्रीन बनेगा. ब्लू और प्लस रेड को बनाएंगे तो ये जस्ट सिंपल पर्पल बनेगा, और येलो प्लस रेड को बनाएंगे तो ऑरेंज बनेगा. ठीक है, तो ये मैं आप लोग को एक लर्निंग के हवाले से ये समझा रही हूँ. उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब इसमें कौन सा ये ग्रीन कौन सा प्यारा कलर बनता है, इस पर पर्पल कौन सा प्यारा कलर बनता है, और ऑरेंज कितना प्यारा कलर बनता है. तो हम वो लेट स्टार्ट करेंगे. उसके बाद ट्रेशरी कलर्स वो होते हैं, उसका मतलब ट्रेशरी कलर्स वो होते हैं सेकेंडरी कलर. जो हमारे पास जो दूसरा जो कलर होता है वो मिक्स होता है प्राइमरी कलर, मतलब जो दूसरा होता है वो पहले वाले के साथ मिल के तीसरा कलर बनता है. ठीक है, सो दे आर इसके सिक्स कलर है. जो ट्रेशरी कलर है उनके सिक्स कलर्स है. जो नंबर वन रेड एंड ऑरेंज को मिला के रेडिश ऑरेंज बन जाएगा, येलो एंड ऑरेंज को मिला के येलोइश ऑरेंज कलर बनेगा, येलो प्लस ग्रीन को मिला के येलोइश ग्रीन बनेगा, और ब्लू प्लस ग्रीन को बनाएंगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर बनेगा. ठीक है, ब्लू प्लस पर्पल को बनाएंगे तो ब्लूइश पर्पल बनेगा, रेड प्लस ब्लू को बनाएंगे तो रेडिश पर्पल बनेगा. तो ये आप लोग के तीन पार्ट्स है, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है और टर्शियरी कलर है. तो अब हम इन तीनों का प्रैक्टिकल भी करके आप लोग को पेंट्स के थ्रू समझाएंगे. ठीक है, सो दिस आर नंबर वन प्राइमरी शेड, दिस आर रेड, दिस आर येलो एंड दिस आर ब्लू, इन थ्री शेड्स. तो अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. जल्दी आप लोग या तो ब्रश जो भी लेगा ना तो वो फोर वाला और टू वाला लेगा. क्यों? क्योंकि जब टू आप लेंगे तो ये लाइक इसकी ये जो अंडरलाइन आउटलाइन है ना वो आप मतलब आराम से सुकून से कर सकते हैं, आपका वो बाइट भी नहीं निकलेगा. और आप जो भी अगर आप लोग ने इस तरह के कलर्स वाले लाइक करने हैं ना तो आप स्कॉलरशिप मस्ट लें. स्कॉलरशिप मस्ट लेंगे, उससे आपकी पेंट्स वगैरह कोई भी मिक्स नहीं होंगे, बाय नहीं निकलेंगे, तो वो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और मतलब महसूस भी होगा. ठीक है, करने में इजीली. सो अब हम करते हैं. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैंने ब्लॉक्स बनाए ताकि हम उसमें ईजिली कर सकें. सो सबसे पहले हम रेड करेंगे. ठीक है, तो आप अगर आउटलाइन के लिए करना चाहते हो आप टू यूज़ करो, और अगर उसके लिए यूज़ करना है तो आप फोर यूज़ करो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप थोड़ा सा यहाँ से मतलब वाटर भी मतलब थोड़ा सा डिप करके आप वाटर भी इजीली ले सकते हो. और ये हमारा रेड वाला पेंट है, और अब इसमें हम थोड़ा सा लाइक कर लेते हैं ये रेड. आपने थोड़ा थोड़ा ही लेना है और ये यूज़ करना है लाइक बहुत मतलब आप लोग को इस काम में मज़ा आएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोग का देख ले, यहाँ से मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरा बाइट भी नहीं निकला बहुत अच्छा, और अच्छी मैंने ये लाइट पेंटिंग की. तो ये सबसे पहले नंबर वन था रेड कलर. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे येलो कलर. ठीक है, दिस आर नंबर टू येलो शेड. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हो, वाटर प्रूफ भी कर सकते हो, ताकि आपको आपका जो ब्रश है वो ईजिली सॉफ्ट है, आराम भी रहे और मज़ा भी आपको आए. ठीक है, इसको आप इसमें ईजिली सॉफ्ट मतलब आराम से साफ भी कर सकते हो. सो दिस आर नंबर टू येलो शेड. ठीक है, दिस आर नंबर टू येलो शेड. सो दिस आर नंबर थ्री ब्लू शेड. अब आप थोड़ा सा वाटर प्रूफ कर ले ताकि आपका ब्रश जो है ना वो बिल्कुल क्लीन क्लीन रहे, ताकि फिर जब आप लोग पेंट्स करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाइक प्यारा रहे. थोड़ा सा और ब्रश ले लें ताकि जो उसकी पेंटर्स है ना फिनिश ना, थोड़ा सा वाटर प्रूफ भी ले सकते हैं. ठीक है, ये देखें. और बस ये गाइस ख्याल रखें कि ये थोड़ा सा बाइट भी ना निकले, ताकि जब आप लोग पेंट करें तो वो फिर आप लोग को स्मूथली मज़ा भी तो आए ना. ठीक है, सो ये हो गया, ये हमारा प्राइमरी कलर. सिंपल से हम प्राइमरी कलर कर लिए. अब हमने जो येलो है और रेड को मिला के वो ग्रीन बनेगा, जो ब्लू
जो ब्लू है और रेड को मिलाएगा वो पर्पल बने, और ये जो येलो है और रेड उसको मिला के ऑरेंज बनेगा। उसको भी हम लाइट स्टार प्रैक्टिकल करते हैं। ये अब थोड़ा सा सूख है ताकि बहुत अच्छा हो गया, क्लीन हो गया। अब इसको तीसरा जो येलो और ऑरेंज है ना वो येलोइश, ये हमारे 6 कलर है पार्ट्स है ना, ठीक है। इसके 12 पार्ट्स भी मतलब वो है। फिर आप जो येलोइश ऑरेंज बनेगा तो उसको येलोइश उसके और भी फिर पार्ट्स मतलब और भी कलर्स आएंगे। तो बस मैं लाइक आपको वो 12 वाले नहीं समझा रही, मैं जस्ट आपको 6 तक समझा रही हूँ, ठीक है ना। येलो प्लस ऑरेंज, तो ये हमारे पास ऑरेंज बना हुआ है ये, ठीक है। ऑरेंज ये हमारे पास बना हुआ है, तो येलो प्लस ऑरेंज को मिलाएगी येलो और ऑरेंज, तो हमारे पास ये ऑरेंज बना है। तो येलो और अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा और एडिंग करना है येलो, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा और ऐड करना है ताकि ये येलोइश ऑरेंज बन जाए। इसमें फिर हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, थोड़ा और हम एडिंग कर रहे हैं लाइक ताकि बिल्कुल डार्क मतलब येलो बन। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। ये ऑरेंज को हमारे पास ऑरेंज कलर बना था, किस तरह बना था, येलो एंड रेड को मिला के हमारे पास ऑरेंज बना है, तो उसमें हमने येलो और एडिंग की, तो ये बिल्कुल येलोइश ऑरेंज बनी। अब येलो को मिला के हमने करना है ग्रीन, येलो और सबक मेरे पास ग्रीन है। ग्रीन में हमने एडिंग करना है येलो, इस ग्रीन में हमने ऐड करना है येलो, ठीक है। इस ग्रीन में हमने मिला के करना है येलो, इसमें अब हम थोड़ा सा इस ग्रीन में हम डालेंगे येलो, इसमें थोड़ा सा हम एडिंग करें। इस ग्रीन को हमने लेना है येलो पे ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो ये है येलो को, येलोइश ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। फुल ग्रीन नहीं बनेगा, येलोइश ग्रीन कलर बन जाएगा। और अब ये हम मिक्स करते, ये देख लो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने जो ब्लू, अब हमारे पास जो ग्रीन बना है, ग्रीन जो हमारे पास ये ग्रीन बना है, ठीक है। अब इसमें हमने ब्लू डालना है, जो ग्रीन बना है उसमें हमने ब्लू डालना है। अब इसमें थोड़ा सा लाइक हम रिमूव, अच्छा ये हमारे पास येलो और ऑरेंज, ऑरेंज का जो हमारे पास कलर है वो मैं दोबारा से कर रूँ, इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया तो हम सॉरी। अच्छा तो ऑरेंज को मिला के येलो, तो ये बनता है येलोइश ऑरेंज, ठीक है, येलोइश ऑरेंज बनता है। अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा से साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कलर बन जाए। मैं आप लोग को फिर उठा के दिखा दूँगी, ये हमारे पास रेडिश और येलो ऑरेंज को मिला के येलोइश ऑरेंज बनता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, आप लोग अगर इसके लिए कोई भी कलर्स मतलब आप लोग का कोई भी कॉलेज प्रैक्टिकल हो ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग उस स्कॉलरशिप लें। मैं तो जस्ट आप लोग को ये समझाने के लिए ये कर रही हूँ, ठीक है। ये बन गया ऑरेंज, जो 2 कलर है हमारे पास सेकेंडरी उसको मिला के ऑरेंज को मिला के येलो करके, तो ये हमारे पास येलोइश ऑरेंज कलर बन गया है। अब हमारे पास ग्रीन जो हमारे पास था वो हमने जो सेकेंडरी किया था, अच्छा जो हमने सेकेंडरी मतलब हमने ये ग्रीन मिलाया था ना, येलो येलो प्लस ब्लू मिला के हमने ग्रीन मिलाया है ना, इस ग्रीन में अब हमने डालना है येलो, इस ग्रीन में हमने डालना है येलो, इस ग्रीन में डालना है हमने येलो, येलो को हम ले लेते हैं, इस ग्रीन में डालना है येलो, थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करेंगे, ठीक है। ये मिला लिया, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन बन जाएगा, पहले डार्क था अब बनेगा हमारे पास लाइट ग्रीन,
सही है, तो ये हमारे पास हो गया इसका। तो ये डार्क ग्रीन बन गया। बस इन्हें समझाने के लिए कर रही, तो ये मैंने आपके पास इस तरह आपको प्रैक्टिकली समझाना है। अच्छा, अब ग्रीन को मिला के, इस ग्रीन को मिला के ब्लू में डालना, सही है। इस ग्रीन में हमारे पास तो अब ये ग्रीन कलर बन गया था ना, ये हमारे पास ग्रीन कलर बन गया। अब ये ब्लू लेना है और इसमें हमने डालना। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा ज़्यादा ले लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये हमारे पास सही है, डार्क बन गए। क्या बन गया हमारे पास, लाइट से थोड़ा सा और डालना। अभी देखो हम ज़्यादा से डाल रहे हैं ताकि बिल्कुल डार्क। ग्रीन बन जी, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दी है। थोड़ा सा येलो मिला, मैंने ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही लाइट डार्क कर लिया, तो इसको थोड़ा सा और भी लाइट करें। थोड़ा सा और लाइट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ये डार्क हुआ था। ठीक है, तो ये भी हो गया। थोड़ा सा हमने रिमूव कर लिया, ये देख लिया कलर्स है। ठीक है, जो सेकंड कलर को मिला के थर्ड से मिला के फिर ये आपको तीसरा कलर बन जाता है। अच्छा, अब पर्पल हमारे पास था, ये हमारे पास पर्पल बना है ना, इस पर्पल में हमने थोड़ा सा ब्लू ऐड करना है। ठीक है, पर्पल को मिला के ब्लू, इस पर्पल को मिला के अब हमने ब्लू कर लेना है। पर्पल में हमने थोड़ा सा ये मिला लिया हमने ब्लू उसके साथ, थोड़ा सा पानी ले लेंगे। कुछ ज़्यादा ही हमारे पास ब्लू हो गया। पर्पल हमारे पास कौन सा बना, रेड रेड एंड, तो इसमें हम थोड़ा सा रेड डालेंगे। ठीक है, रेड ये थोड़ा मैं साफ कर लूँ, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा रेड डालते हैं क्योंकि हमने लाइक बहुत ज़्यादा ब्लू डाल दी है। अच्छा, ये कौन सा बना है, अच्छा ये बना है हमारे पास रेडिश पर्पल। ठीक है, हमारे पास बना रेडिश फुल पर्पल ही बना, क्योंकि हमने रेडिश को जो हमारे पास पर्पल था ना, रेड ब्लू को मिला के पर्पल को हमने ब्लूइश कर लिया, तो हमारे पास रेडिश पर्पल। अब हमारे पास जो पर्पलिश कलर है उसको हमने इसमें रेडिश और रेड ऐड करना है। ठीक है, इसमें हमने और रेड ऐड कर दिया। ये देखें, और हमने रेड ऐड कर दिया, इसमें अब हमारे पास बन गया रेडिश पर्पल। लास्ट लास्ट ये अब हमारे पास ऑरेंज है। ऑरेंज ही मैंने मेरे पास बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा रेड ऐड कर देना, और हम इसमें थोड़ा सा रेड ऐड करें। तो ये हमारे पास बनेगा रेडिश ऑरेंज। ठीक है, हमारे पास बनेगा ये रेडिश ऑरेंज। अब ये हमारे पास बन गया, अभी हमारे पास ये रेडिश ऑरेंज इनमें हमारे पास लिटरली वो भी होते हैं, वो कलर्स भी होते हैं जो हमारे पास 12 होते हैं, जो इसमें और भी कलर होते हैं। मतलब मैंने बस लाइक 6 आपको समझाने के लिए बने। सो नंबर 1 इज़ प्राइमरी कलर रेड एंड येलो ब्लू। सेकेंडरी कलर्स आर दोस ब्लूज, टू प्राइमरी कलर्स आर मतलब आर वन आर प्राइमरी एंड वन आर सेकेंडरी। सो दोस टू शेड्स आर मिक्स विद
अदर कलर। सो ये येलो और ब्लू बन के ग्रीन, ब्लू और रेड बन के पर्पल, और येलो बन के रेड। अब जो हमारे पास ये ग्रीन पर्पल ब्लू जो है ना, इसको हमने मिला के हमारे पास ये जो कलर बने, अब ये ऑरेंज बने, तो ऑरेंज से हमने रेड का वो रेडिश ऑरेंज बन गया, और जो ऑरेंज कलर है उसको येलो से मिला के येलोइश ऑरेंज बन गया, और जो ग्रीन को मिला के, जो दो कलर को मिला के एक कलर मिलाते हैं वो येलो और येलोइश ग्रीन है, जो ग्रीन को मिला के वो ब्लूइश ग्रीन है, और जो ब्लू और पर्पल को मिला के वो ब्लूइश पर्पल है, और जो रेडिश पर्पल और रेडिश पर्पल। तो ये हमारे पास सारे आपको कलर्स आपको समझाने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए, ताकि आपको ईजिली समझ आ रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ज़रूर ज़रूर सर जो कुछ भी हो जाए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये आप लोग के लिए लर्निंग के लिए हमने मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा।